नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा ही है कि पहली जो एक्सरसाइज है वो आप सीख ही गए हैं, लेकिन इन एक्सरसाइजेज को करने के दौरान जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो ये है कि जब कभी भी आप बैठें तो आपकी गर्दन और कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए, ऐसे इसके अंदर कर्व नहीं होना चाहिए, हमेशा ऐसा आपको बैठना है। जब कभी भी आप संगीत के बारे में कोई भी आप रियाज करें, चाहे गाएं, चाहे कोई एक्सरसाइज करें, उस समय अगर आप पद्मासन के अंदर बैठे और आपकी नेक और बैक दोनों स्ट्रेट होंगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। पहली एक्सरसाइज आपने की थी उसके अंदर हमने क्या किया था कि श्वास लिया, अंदर रोका, छोड़ दिया। इसके अंदर भी हमें वही करना है लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जो श्वास ले रहे थे, हमारी जो नाक के दोनों छेद हैं जिसको हम बोलते हैं नासा छिद्र, इनसे हमने सांस लिया था। अब हमको नहीं पता कौन सी छेद से गया, लेफ्ट से गया, राइट से गया, हमने लिया, उसको रोका और छोड़ा। अब हमको इसमें विशेषता ये देना है, देखना है कि हमको पहले एक नासा छिद्र है उसको एक फिंगर से ऐसे बंद कर लेना है, बंद कर लिया दबा करके, और फिर हमको सांस भरना है। भर लिया, अब इसको रोकना है और फिर इसको इस छेद से हमने लिया है, आप देखना जो खुला है उससे लिया है, और जब छोड़ेंगे तो हम इसको चेंज कर देंगे, यानी ये जो उंगली है उसको इधर लेंगे, और छोड़ते वक्त हमको दूसरी छेद से उस श्वास को छोड़ देना है। बात समझे, यानी कि एक उंगली से मैंने नासा छिद्र बंद किया, ये बंद करने के बाद में एक नाक से मेरे को श्वास खींचनी है, फिर मेरे को रोकनी है, और जब छोड़ूंगा तो यहाँ से मैं फिंगर चेंज कर दूंगा, यानी एक नासा छिद्र से श्वास लेना है तो दूसरे नासा छिद्र से छोड़ना है। तो ये प्रोसेस आप कम से कम एक नासा छिद्र से 10 बार आप लीजिए और दूसरे से छोड़िए, फिर आप उसको चेंज कर दीजिए। जैसे आप पहले इससे ले रहे थे, अब आप इसको बंद करिए, इससे लीजिए और इससे छोड़ेंगे, ये प्रोसेस आपको करनी है। बहुत ही कारगर मतलब कि प्राणायाम है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से आपके अंदर यानी कि ये नेजल के अंदर या हमारे यहाँ पर आसपास में जितना भी कफ होता है वो फिल्टर होता है, वोकल बहुत क्लैरिटी के अंदर आती है। तो आप देखेंगे ये चीज़ करने से, करना क्या है, चलिए एक बार दो बार मैं फॉलो करता हूँ। ये मैंने बंद किया, धीरे धीरे छोड़ देना है, और जब आप धीरे धीरे छोड़ेंगे तो आप देखेंगे जो लोग शुरू में करेंगे उनके साथ में ये चीज़ आपके सामने आएगी कि नाक से बहुत सारा पानी वगैरह बाहर आएगा, उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप उसको मतलब कि बिल्कुल नज़रअंदाज करिए, साफ करिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हैं जो सबके साथ होती हैं, ठीक है। तो इस बारे में चिंता ना करें, लेकिन आप अगर 10 बार एक नाक से, 10 बार एक नाक से, आपकी आंखों के अंदर चमक आपको देखेंगे, जब आप उठ के जब आप चलेंगे ना तो आपके अंदर एक अलग पावर होगा, एक अलग एनर्जी होगी, इस चीज़ को भी आप फील करेंगे। चलिए मैं एक बार दो बार और फॉलो करता हूँ, दूसरे नजल से मैं सांस लेता हूँ। चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ भी हो उसकी चिंता हमको नहीं करनी है, हमें हमारा काम करना है, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
धीरे धीरे हमको ये बढ़ाना है कि जब हम खींचें ना, तो इस नेजल के अंदर से जब हम सांस को खींचें तो पता चलना चाहिए हमको खुद को भी कि हाँ सांस खींची जा रही है। कैसे? ये आप अंगूठा भी यूज कर सकते हैं, कोई फिंगर भी यूज कर सकते हैं। तो 10 बार एक नासा छिद्र से और 10 बार एक नासा छिद्र से हमको ये श्वास लेना है, रोकना है और छोड़ना है। रिजल्ट्स आपके सामने अगले 10 दिन के अंदर आपको ये फीलिंग आना चालू हो जाएगी कि हाँ यार कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ मजा आ रहा है, वाकई में ये एक्सरसाइजेस के अंदर दम है। तो बस आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ये एक्सरसाइजेस को आप रियाज से पहले अपने इस शेड्यूल के अंदर शामिल करें। और चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग हैं जो बस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।